हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ये मरांटा के प्लांट्स। देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं। अभी इन पर पानी की पड़ी हुई बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं। हर पत्ती का कलर भगवान जी ने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। ये वेरीगेटेड मरांटा प्लांट है, जिसको एरो रूट प्लांट भी कहते हैं। आओ संवारें अपना घर, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अपने प्लांट्स के भोजन की, क्या ये खाते हैं जिससे ये इतने प्यारे हो रहे हैं, और एक DIY करेंगे और कुछ अपनी पुरानी चीज़ को नया बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। देखिए कितने सारे मेरे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। मेरे ये सिर्फ 5 प्लांट हैं और आज लगभग 17-18 फूल इन पर आए हुए हैं। और पूरी बगिया इनसे इतनी खुशनुमा, इतनी अच्छी लगती है। ये देखिए डबल पेटल, ये कितना ब्यूटीफुल ये मेरा फूल हिबिस्कस का लग रहा है। हमारी बगिया फूलों से भरी रहे, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन फूलों वाले पौधों को हमें फुल सनलाइट में रखना होगा। उसके बाद काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा 15 दिन के अंतराल में उसका लिक्विड मैन्योर आप बनाकर इनमें डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड मैन्योर इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है जो जड़ों तक पहुंचता है। उसके लिए मैंने काउडंग कंपोस्ट को 3 दिन के लिए कुछ पानी में, थोड़े पानी में भिगो दिया था, और फिर अब 20 लीटर पानी लेकर उसमें 1 लीटर इस काउडंग लिक्विड को छानकर मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये एक कंपोस्ट टी तैयार हो जाती है, जिसको हम हर पौधे में उसकी हाइट के, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये हम हर 15 दिन के बाद यदि करते रहें तो हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही हम हर पौधे में ये लगभग 0.5 लीटर ये लिक्विड हम डालते जाएंगे। ये काम हम यदि शाम के समय करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि पौधे इसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए मिट्टी गमले की बिल्कुल सूखी हुई है, और इन्हीं से हमारे प्लांट्स बहुत हरे भरे और बहुत ही फूल देने वाले ये पौधे बहुत ही खुश रहते हैं। और अब करेंगे हम कुछ DIY। ये इस तरह के दो मेरे पास बॉक्सेस थे ऑनलाइन, जब कुछ एक प्रोडक्ट मंगाते हैं हम तो अक्सर ये आ जाते हैं, तो हमने इन दोनों को एक टेप से ज्वाइंट कर लिया, और फिर इस पर 3 इंच के स्क्वायर पीसेस कट करके, जो एक हमारा ये गत्ता होता है ना, तो इसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ होता है, इसको यदि हम निकाल देते हैं तो इस तरह की 3D टेक्सचर में हमें ये मिल जाता है। तो इसके हमने 3 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए और उनको अल्टरनेटिव तरीके से लगा दिया, जैसे कि ये 2 रो आप देख रहे हैं, इस तरह से हम इनको लगाते चले गए। और ये जो देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसकी बुनाई की हो किसी चीज़ से, इस तरह से तैयार हो गया हमारा। इस तरह से आप इसके तीनों या चारों साइड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने इस पर ऐसे स्काई ब्लू एंड वाइट, पहले नीचे जैसो का एक कोट किया और उसके बाद स्काई ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देते हुए इस पर पूरा कलर कर लिया। उसके बाद हमने ब्लैक कलर से इसके 3D टेक्सचर इसको देते हुए इस पर कलर किया, तो बहुत ही सुंदर सा ये एक फ्रंट व्यू इसका तैयार हो गया। ये अभी मैंने सिर्फ
फ्रंट साइड में ही बनाया है। आप चाहें तो इसको तीनों साइड भी बना सकते हैं। ऐसे ही हमने ये जो डल से अंकल और आंटी थे इनको हमने देखे कितना सुंदर सा बना दिया है। थोड़ी सी मेहनत से एक नया ही रूप आ गया है और इस पर वार्निश कर दी है। अब इस विंड चाइम के कलर भी काफ़ी डल हो चुके थे, इस पर हमने पहले पूरा वाइट कोट करके इस पर पर्पल और एक ग्रीन के कॉम्बिनेशन को देने की कोशिश की, जो फ्लोरोसेंट कलर लगभग दोनों रहे हमारे। यानी ब्राइट कलर का जब एक विंड चाइम होता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एक इस फेस्टिव सीज़न हमें जब कलर करने थे तो हमने थोड़ा सा इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश की। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि इसका बेल किस कलर की दी जाए, तो फिर हमने इसमें ऑरेंज कलर दिया और फाइनली इसका ये प्यारा सा लुक तैयार हो गया है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये क्रिएटिविटी या ये DIY कैसे लगे और आप भी इस फेस्टिवल सीज़न में क्या बनाने वाले हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप साज सज्जा हैंडलूम यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।